हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो आइज़ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी यू भोपाल की दैट इज़ बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है सो so, इनकी तरफ से भी नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर पीएचडी एडमिशन एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, उसके लिए आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि बी यू है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप उसे चेक कर सकते हैं अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर कर दीजिएगा इसे लाइक भी कर सकते हैं आपको इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हेल्पफुल लगता है तो सो so गाइज सबसे पहले जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वैसे पॉपअप में ही आपको नोटिस दिखाई देते हैं उसमें लेटेस्ट नोटिस यू कैन सी नोटिफिकेशन फॉर डीई टी दैट इज डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट वन वन फोर अदरवाइज़ जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ जो लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है सो तो ये स्क्रॉल हो रहा है इसलिए आपको अभी जो डेट से रिलेटेड है वो नहीं दिख रहा है बट आप यहाँ पे मोर न्यूज़ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सेम नोटिस देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन फॉर डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट वन वन फोर अंडर स्कोर वन वन फोर तो चलिए एक बार इस नोटिफिकेशन को देखते हैं उसके बाद हम पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल पे भी विजिट करेंगे किस वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है वो वेबसाइट भी देखेंगे एंड बाकी इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे सो so, सबसे पहले ओपन करते हैं नोटिफिकेशन सो यस ये है नोटिफिकेशन पी प्रवेश परीक्षा दैट इज डीटी ट्वेंटी सो सबसे पहले डेट्स आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है ट्वेंटी जनवरी से एंड लास्ट डेट दैट इज अंतिम तिथि है बारह फरवरी दो ठीक है सो so, अगर आप उस तक दैट इज बारह फरवरी तक अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फी जो कि ऑब्वियसली ज्यादा है सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है दिव्यांगजनों के लिए वन थाउजेंड एप्लीकेशन फी है बट बारह फरवरी के बाद तेरह से बीस फरवरी तक भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकेंगे बट फाइन के साथ सो so विलंब शुल्क कितना है विलंब शुल्क सहित चार हजार सो so इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ये नॉर्मल के बाद एडिशन है या ये टोटल फोर थाउजेंड है इसमें ठीक है सो so जब आप अप्लाई करेंगे तेरह फरवरी से बीस के बीच में तब आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन फी कितनी है ठीक है सो so, अगर आप इसे 12 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो उससे पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा अदरवाइज इतनी ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा आपको सो so, येस yes, उसके बाद एप्लीकेशन से रिलेटेड ओके सॉरी आई मीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है पचपन प्रतिशत अंकों के साथ या जो समकक्ष आपका सी जी पी ए है उतने अंक आपके हैं अगर स्नाकोत्तर परीक्षा में पी जी में तो so आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं फाइव परसेंट रिलैक्सेशन है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स दैन कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जेमटेड हैं डी टी दैट इज रिटर्न टेस्ट से सो so, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी अध्यादेश में तो ऑर्डिनेंस जो है अभी हम देखते हैं उसे भी सो so उसमें हमें पता चलेगा इलेवेंथ जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि किन्हें किन्हें छूट मिली हुई है ठीक है सो so, यस yes, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या होगा सो so, रिटर्न होगा ऑफलाइन मोड से ही होगा ओ पे आपको आंसर्स लिखने so, होंगे राइट सो दो पार्ट्स होंगे ए एंड बी या का और खा जिसमें पहला होगा रिसर्च मैथडोलॉजी जिसमें फिफ्टी क्वेश्चन होंगे वन वन मार्क्स के होंगे एम होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप सिमिलरली सेकेंड पार्ट सेकेंड सेक्शन होगा आपके सब्जेक्ट का एंड उसमें भी फिफ्टी क्वेश्चन सो टोटल हंड्रेड क्वेश्चन फिफ्टी रिसर्च एंड फिफ्टी योर सब्जेक्ट राइट देन भाषा विषय जो है जैसे हिंदी है इंग्लिश है जो भी भाषा हो सो वो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा बाकी जो भी साइंस एंड जीव विज्ञान संकाय के जो भी सब्जेक्ट्स हैं प्रश्न पत्र हैं वो सभी सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे बाकी सभी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे ओके सो सिमिलर क्वेश्चन बी से भी रिलेटेड था सो so, अगर आप में से किसी ने बी का एंट्रेंस दिया हो तो आप मुझे प्लीज एक बार कन्फर्म कर दीजिए कि इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होता है या नहीं ठीक है जो बाकी क्ट होते हैं उनका पेपर एनी वेज नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी कि दो घंटे परीक्षा का टाइम रहेगा टू आवर्स ड्यूरेशन होगा वो लिखा हुआ है एंड सॉरी फॉर दिस वेट सो so येस yes, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है ये थर्ड पॉइंट में लिखा है सो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी नाव ये जो इलेवेंथ ऑर्डिनेंस अध्यादेश इलेवन एस टी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा सो so, उसे हमें पढ़ने को बोला गया है अभी हम एक बार उसे देख भी लेते हैं उसके बाद यहाँ पर रिक्त सीट कितनी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि ये बाद में चेंज भी हो सकता है आई थिंक वही है ठीक है सो इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा बाकी यहाँ पर इसके बाद हम ओपन करते हैं नेक्स्ट पी और उससे पहले एप्लीकेशन पोर्टल पर हम पहले विजिट करते हैं देन देखते हैं बाकी इंफॉर्मेशन को सो यस अगेन जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन था डी ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये एडमिशन पोर्टल है ठीक है एप्लीकेशन तो आपको आप पता होगा एम पी ऑनलाइन का प्रॉपर एक पोर्टल है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ में जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एम पी की आपको अप्लाई करना है उसी के थ्रू करना होता है उस पर हम बाद में विजिट करेंगे पहले हम एडमिशन पोर्टल ओपन करते हैं देखते हैं सबसे पहले वेकेंट सीट्स को सो तो ये है पोर्टल इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है यू कैन चेक इट आउट देन एप्लीकेशन का ये ऑप्शन दिख रहा है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट

टिक्स सिक्सटीन फिजिक्स वन थर्टी फाइव मैथ्स वन वन सिक्स देन कंप्यूटर साइंस सेवन स्टैटिक्स इलेवन इलेक्ट्रॉनिक्स सेवनटीन दैन जियोलॉजी थर्टी टू देन केमिस्ट्री में टोटल वन हंड्रेड uh, सॉरी टू हंड्रेड एंड सेवन सीट्स अवेलेबल हैं सो नंबर्स तो अच्छे हैं बट आई एम नॉट श्योर कि एट दी एंड जैसे प्रोसेस स्टार्ट uh, होगा ठीक है एंट्रेंस होगा देन इंटरव्यू होगा उसके बाद कितने एक्चुअल सीट्स पे एडमिशन होंगे अभी के लिए वेकेंट सीट्स 207 हंड्रेड एंड सेवन हैं देन इकोनॉमिक्स सिक्सटी फाइव देन जोग्राफीज थर्टी थ्री साइकोलॉजी ट्वेंटी फोर डिफेंस एंड स्ट्रेटिक स्टडीज़ फोर्टीन हिस्ट्री ट्वेंटी सिक्स पोलिटिकल साइंस फोर्टी टू सीट्स उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड है इंग्लिश जिसमें कि फिफ्टी सेवन सीट्स अवेलेबल हैं हिंदी सिक्सटी थ्री दैन म्यूजिक्स फोर दैन फिलोस सफी थर्टी दैन संस्कृत थर्टीन उर्दू में ट्वेंटी है देन पर्शियन थ्री होम साइंस एक सौ चार वन हंड्रेड एंड फोर सीट्स दैन लॉ ट्वेंटी टू कॉमर्स वन हंड्रेड एंड एटी वन देन मैनेजमेंट टू हंड्रेड एंड फोर्टी फोर सीट्स एंड योगा में हैं थ्री सीट सो ये ओवरऑल वेकेंट सीट्स हैं जो कि एज ऑफ नाउ वेकेंट हैं इस यूनिवर्सिटी में कितनों पर कितने पर एडमिशन होगा ये फाइनली हमें प्रॉपर प्रोसेस के बाद पता चलेगा ओके अभी के लिए आप इतने सीट्स को मान करके अप्लाई कर सकते हैं सो so, यस yes, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को सो नेक्स्ट ऑप्शन फी डिटेल्स का था यहाँ पे यू कैन सी दी डिटेल्स सो एप्लीकेशन फी कितनी है इट इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ओके ये चीज अलग अलग है सबके लिए देन कोर्स वर्क की फी कितनी है सो विदाउट लैब के लिए है फाइव थाउजेंड विद लैब के लिए टेन थाउजेंड है सिक्स मंथली ये पेमेंट होता है देन कोर्स वर्क एग्जाम फीस टू थाउजेंड रजिस्ट्रेशन फीस फाइव थाउजेंड सो टोटल आप इसको कर लीजिएगा कि कितनी टोटल फी है जो कि आपको देनी पड़ेगी कुछ वन टाइम होती है कुछ पर मंथ होती है ओके okay. सो so अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पी डी एफ सो फी डिटेल्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन सिलेबस का था यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस को देख सकते हैं अलग अलग फैकल्टी से रिलेटेड यहाँ पे गिवन है सो so अब ऑब्वियसली हम वन बाय वन हर सब्जेक्ट के सिलेबस को नहीं ओपन करेंगे सो so आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके सिलेबस को ख़ुद ही ओपन करके देख लीजिएगा हाँ इतना आई कैन डू कि हम सेपरेट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं सो so आप उससे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर नाव सिलेबस के बाद अब हम नोटिफिकेशन हमने देखा है अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की और ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर पी को सो so, यस yes, ये है ऑर्डिनेंस नंबर एलेवन फॉर पीएचडी सो इसी के अकॉर्डिंग इसमें जो भी रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका पीएचडी में एडमिशन होगा ओके okay? सो so, बाकी पॉइंट्स तो आपको पता है कि लाइक प्रॉपर पीएचडी से रिलेटेड है सो so, अभी जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है हम उन्हीं की बात करेंगे सबसे पहले क्राइटेरिया है जो कि ऑलरेडी हमने देखा फिफ्टी मार्क्स के साथ पी हो या इक्वलेंट सी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर हम देख हैं एंट्रेंस so, से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सो उससे पहले एग्जीम सो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड यू जी सी नेट विद जे आर एफ सो विद जे आर एफ सिर्फ नेट एल एस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एग्जेप्ट नहीं होंगे देन सी एस आई आर नेट विद जे आर एफ और टीचर फेलोशिप होल्डर और एनी गवर्नमेंट फॉरन रिसर्च फेलोशिप होल्डर ठीक है सारे फेलोशिप होल्डर या फिर अगर एम फिल किया है आपने विथ कोर्स वर्क सो आप सभी एक्जेप्टे फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट बट दे हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू सो नेट एल एस और गेट क्वालिफाइड है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा देन यहाँ सीट्स एंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है देन प्रोसेस फॉर एडमिशन या प्रोसीजर ऑफ एडमिशन है डीईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हमने इसका क्या होगा, वो ऑलरेडी देखा है टोटल हंड्रेड क्वेश्चन होंगे, so 100 होंगे one -one mark, के नहीं होगी 50 परसेंट रिसर्च एंड 50 परसेंट आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे 50 परसेंट मार्क्स होंगे तब आप क्वालीफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू देन यहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आर एसी कमिट सॉरी आर एसी कॉन्स्टिट्यूट होती है सो उससे रिलेटेड देन एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर देन प्रॉपर पी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे वो सभी यहाँ पे गिवन है सो so अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डू चेक इट आउट वन बाई वन सभी पॉइंट्स से गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार टोटल थर्टी पेजेस का ये पी है सो दैट इज इट ये सारे मेशन से अब हम सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक बार एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन कर लेते हैं आप इस पर्टिकुलर लिंक पे डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं या फिर एमपी ऑनलाइन पे विजिट करने के बाद बी यू भोपाल को सेलेक्ट कर सकते हैं सो so अभी जब इसे ओपन किया है सो so हम इसी के थ्रू ओपन करेंगे सो so इस पर क्लिक करेंगे देन आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा बी यू भोपाल डॉट एम पी ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट पर इसके लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में है सो so यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अपियरिंग कैंडिडेट्स कांट अप्लाई ठीक है सो so जिन्होंने क्लियर किया है पी जी डिग्री सिर्फ वही एलिजिबल है ऑर्डिनेंस को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं कोर्स फैकल्टी सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे देन यहाँ पे मार्क्स का ऑप्शन आपको दिखेगा सो so जब पूछा गया दैट पीजी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ये और नो जब आप नो करेंगे तो भी आपके पास पॉपअप आएगा दैट यू कांट अप्लाई ठीक है सो so एलिजिबल सिर्फ वही हैं जिन्होंने पीजी अपना कंप्लीट किया हुआ है ठीक है सो अब अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं देन ये वेबसाइट है इसमें आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं ठीक है सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे ये थी सारी इन्फॉर्मेशन बी एच यू में अपेयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं इसमें इशू है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है बट वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्योंकि डिफरेंट कलर में लिखा है इसलिए आई थिंक शायद अप्लाई करने में इशू हो सो so, आप जैसे अभी हमने इसमें चेक किया वैसे ही आप लॉग इन करके दैट इज रजिस्टर करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि बिना मार्क्स लिखे क्या अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते कर सकते हैं या नहीं बट प्लीज पेमेंट मत कीजिएगा जब तक आप श्योर ना हो आई विल ट्राई कि मुझे भी पता चले अगर पता चलता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सो so, येस yes, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है चेक कर लीजिएगा डू सब्सक्राइब द चैनल एंड येस थैंक यू सो मच फॉर watching